तरह के अवैध कब्जे होते हैं और हटाए जाते हैं, इसमें हिंदू मुस्लिम क्यों करते हैं आप लोग? सीधा सीधा बात करिए ना भाई, दूसरी जगह घर दीजिए जैसे बाकी राज्यों में दिया जाता है। यह कहना कहां तक सही है कि मुस्लिम है इसलिए हटाया जा रहा है, क्योंकि हर जगह होता है ये तो। नहीं तो अगर आप सरकार से ये बात कहते कि पहले साबित करिए जमीन आपकी है और उसके बाद में फिर जो लोग वहाँ रह रहे हैं, जो रेजिडेंट हैं लोकल वहाँ के उस बस्ती के, उनके विस्थापन की स्कीम लेकर आइए, उन लोगों को पहले ज़मीन दे देते, उनके मकान जो तोड़े जाते हैं उसकी जगह पर मकान दे देते, और उसके बाद में अगर आप ये बात करते तो मैं समझता हूँ ज़्यादा बेहतर होता। मतलब 60-60 हज़ार, 70-70 हज़ार आदमी जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर आएंगे आप, और आने के बाद आप साबित भी नहीं करेंगे कि ये आपकी ज़मीन है या नहीं है, और उसके बाद में आप ये कह देंगे कि सामने वाले को हटा दिया जाए। भाई एक एक मकान, एक एक खेत, एक एक ज़मीन, एक एक सड़क सब सरकार की है, जो सरकार होती है उसी का तो सब होता है। आप हाउस टैक्स देते हैं, नहीं देते हैं, किस बात का देते हैं भाई? गवर्नमेंट का सब कुछ है, इतने हाईवेज बनते हैं आपके, बड़े बड़े सड़कें बन रही हैं, सरकार चाहती किसानों से जमीन ले लेती है। भट्टा परसौल आपने देखा, मायावती जी की सरकार में जब यमुना एक्सप्रेसवे बना, क्या गोली चली, क्या लाठी चली, ले लिया सरकार ने, तो सरकार का थोड़ी ना था। मसला सिर्फ यह है कि सरकार का है या नहीं है। अगर वो लोग अवैध कब्जा किए हुए हैं तो सरकार वैध कैसे है ये बताइए मुझे आप। भाई 1942 और 43 और 41 के स्कूल वहां चल रहे हैं, देश आजाद हो रहा है 47 में, रेलवे ने एक्वायर कब किया पहले तो ये बताइए। लोगों के पास रजिस्ट्री है, कस्टोडियन की नीलामी की रसीद है, लोगों ने वहां नक्शे पास कराए, लोग वहां बिजली लगवाए हुए हैं, लोग पानी का बिल दे रहे हैं। पहले तो यह तय कर लीजिए कि इंक्रोचमेंट रेलवे की जमीन पर उत्तराखंड सरकार ने किया है या उत्तराखंड की सरकार पर रेलवे ने किया है, और उसके बाद में ये दोनों सरकारें बताएं कि ऐसा तो नहीं है कि जो वहां के लोग हैं वो सच बोल रहे हैं और उनकी जमीन पर सरकारें कब्जा किए ले रही हैं। ओके हेमंत जी बताइए जरा, अगर सवाल आप पूछ सकते हैं तो सवाल अब भी पूछ सकते हैं। बिल्कुल सही है।